अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो मेरा डेली बेसिस पे होता है मंडे टू फ्राइडे, बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है वो सब। तो आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ कैबेज का पराठा। तो मैं आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ। इसमें मैंने कैबेज रफली काटा है और इसमें 4 ग्रीन चिलीज ऐड की है और हमें ऐड करना है हरा धनिया यानी कि कोथमीर, और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो अपने हिसाब से आप चिलीज़ ऐड कर सकते हो। और इसे मैं अच्छे से चॉप करूँगी, एकदम बार फाइन चॉप करना है, एकदम बारीक। और फिर इसके बाद आटा गूंदना है। ये जो प्रोसेस है मैं रात में ही करके सोती हूँ, बिकॉज सुबह उठने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो मैं रात में ही जो भी पराठे का आटा है या फिर आटा नॉर्मल भी गूंदना हो तो मैं रात में ही गूंद कर सोती हूँ। रात में इन सेंस जब मैं सोती हूँ, बेड पर जाने से पहले मुझे सोने में 2-2.5 बज जाते हैं, तो तभी मैं आटा गूंद कर सो जाती हूँ। और उसके बाद जो है इसमें मैंने नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार, हल्दी ऐड की है, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, और बहुत ज़्यादा ऐड करना है तिल जो कि है 1 टेबलस्पून भर के, और मैंने 1 टीस्पून अजवाइन इसमें ऐड कर ली है। और अब जो है इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन आपको 2 टेबलस्पून ऐड करना है, अगर एक छोटा कैबेज होगा तो, अगर बड़ा होगा तो आप और 1 टीस्पून ऐड कर सकते हो। और आटा एकदम कम डालना है ताकि हमको हमारे कैबेज का जो फ्लेवर है वो आ सके। तो एकदम ज़्यादा आटा डालेंगे तो कैबेज का पराठे का मज़ा नहीं रहेगा। तो बहुत कम आटा हमें इसमें ऐड करना है, और हल्का सा दूध का ऐसा छींटा मारना है, दूध थोड़ा सा हल्का सा ऐड करके उसे गूंदना है। वैसे जो भी आप सब्ज़ी का पराठा बनाओगे वो सब्ज़ी का पानी अपना छूटता है, तो ज़्यादा नहीं ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एकदम कम दूध ऐड करके, ये जो आटा है ना पानी से नहीं गूंदा जाता है। मैं पर्सनली मुझे नहीं पसंद, मैं दूध से ही ये आटा गूंदती हूँ, कैबेज के पराठे का आटा। तो मैंने आटा गूंद लिया है और एयर टाइट डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दिया है। और तो अब जो है सुबह सुबह मैंने जोया को उठाया है, हम लोग ने नमाज़ पढ़ ली जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा। मैं 5:30 बजे उठती हूँ और अब जो है जोया के टिफ़िन की तैयारी चल रही है। मैडम तैयार हो रही है और मैं बना रही हूँ उसका टिफ़िन। जोया और अनाया का टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अलग है। पहले जोया जाती है फिर अनाया जाती है, पहले जोया का टिफ़िन बनता है फिर अनाया का टिफ़िन बनता है। वैसे तो अगर सब्ज़ी बनाना हो तो मुझे 2 अलग अलग बनाना पड़ता है। पहले फीकी निकाल के रखनी पड़ती है अनाया के लिए, फिर जोया के लिए थोड़ी स्पाइसी करनी पड़ती है। अब जो है मैंने पराठा बना दिया है जोया के लिए, और उसे मैं रोज़ वार्म वाटर देती हूँ, और जो मैंने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर मिक्सचर बना कर रखा है वो देती हूँ 1 कटोरी भर के। तो वो मैडम भी उतना भी वो मुँह बना कर खाती है, उसको सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता है, बट उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि उसे ये खाकर जाना ही जाना है। बच्चे दिन भर इतना थक जाते हैं तो उनको थोड़ी सी एनर्जी दिन भर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए और एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो उसको ये कोई ऑप्शन ही नहीं, उसे खाना ही पड़ता है। और ये जो है उसका टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ, पराठा और सॉस दे रही हूँ आज, और बस फिर ये पैक करते हैं, उसके बाद जो है उसके बाल बनाते हैं। चलिए ड्रॉप कर लिया है। अब मैं बहुत लोग मुझे पूछते हैं आपके फिटनेस का राज, तो मैं जोया को छोड़ती हूँ
और 5-6 राउंड लगाती हूँ और फिर घर जाती हूँ। अब मैं लगाऊंगी राउंड, अब चलते हैं। फाइनली जोया को छोड़कर आ गई हूँ। अब जो है अनाया मैडम की बारी है। अभी और 10-15 मिनट है उसको उठाने में, तब तक मैं वार्म वाटर पी रही हूँ, वो पीकर फिर उसको अनाया को उठाऊँगी। थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह मैं रात में ही, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं रात में ही सब कुछ उठाकर बस सारा सब ऑर्गेनाइज करके ही सोती हूँ, रूम वगैरह सब। बस हम लोग जहाँ पर सोते हैं वो बिस्तर ही उठाना बाकी रहता है, बाकी जो भी ये हॉल और रूम और किचन का सारा पसारा मैं रात में ही उठाकर सोती हूँ। तो मुझे ना सुबह इतना टेंशन नहीं रहता है, और रात तक मैं बहुत देर तक जागी हूँ बिकॉज एडिटिंग थी व्लॉग की, और फिर मुझे 12:30 बजे अपलोड भी करना है। तो वो था, अब जो है अनाया को स्कूल भेजकर फिर थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह बनाना है, फिर कुछ खाऊंगी। अभी फ़िलहाल वार्म वाटर पीऊँगी और जो अनाया को छोड़कर आकर फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है जहाँ पे मैं अनाया को छोड़ती हूँ, वहीं पर ग्रोसरी का शॉप है। तो मुझे आटा ख़त्म हो गया तो घेहूँ लेना है, बादाम और मनु के वगैरह। अनाया रोज़ थोड़ा थोड़ा स्कूल लेकर जाती है तो वो भी ख़त्म हुए थे, तो अब वो भी लेना है मुझे बस। और अभी थोड़ी देर ये पीती हूँ और अनाया को उठाती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो ये पार्ट हो गया है। अब इस साइड का, यहाँ का पूरा क्लीन करना है, टेबल क्लीन करना है बिकॉज जॉर्जी यहाँ पे काम पे बैठते हैं। तो ये सब उठाते, चलिए। अनु, अनुशनी, अनाया, चलो मामा स्कूल जाना है, उठो उठो उठो, चलो। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, चलो उठो। अनु उठो मामा, ये शनी इतना इतना, चलो 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 उठो, आओ मामा गोद में लेते हो, आओ जल्दी आओ। गुड गर्ल, स्कूल जाएगी मेरी जान। तो चिटुकली मैडम को रेडी करते हैं। अब जोया मैडम तो चली गई, अब बारी है हमारी छोटी मैडम का, अब इसे रेडी करती हूँ। अब ये मैडम को तो दो पोनी बनाने का बहुत शौक है, तो उसको दो पोनी ही बनाकर भेजती हूँ और बस इसे रेडी करती हूँ। एक्चुअली दोनों बच्चों के जो टाइमिंग्स है ना वो बिल्कुल अलग है, पहले जोया जाती है फिर अनाया जाती है, फिर अनाया पहले आती है फिर जोया बाद में आती है, तो ऐसे होता है ना, अलग ही दोनों का टाइम शेड्यूल है। तो खुद के लिए तो बिल्कुल फुर्सत होती नहीं है मंडे टू फ्राइडे, फिर भी शौर्जी इस वीक वर्क फ्रॉम होम है तो वो थोड़ा हेल्प हो जाता है। और ये मैडम वही जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द रेसिपी दूंगी इसकी, वो खा रही है, ये दोनों भी यही खा कर जाते हैं स्कूल। और अब जो है नया क्या टिफ़िन पैक करती हूँ और उसे देती हूँ, और जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं आप लोग उनको जो है मच्छर का जो मॉस्किटो रिपेलेंट आता है वो याद से स्प्रे मारकर भेजिए। सो ये चिटुकली को मैं ड्रॉप कर देती हूँ, बस थोड़ा दूर आती है इसकी, तो इसको मुझे बाइक पे ही
ड्रॉप करना पड़ता है बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाती है स्कूल से आने के बाद। फिर मैं वॉकिंग लेकर जाऊँगी उसको तो वो और ज़्यादा थक जाएगी, इसलिए मैं उसको बाइक पर लेकर चली जाती हूँ। और ये जो है शूट शॉर्ट जी कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ मेरा डेली रूटीन क्या होता है। यहाँ पर मुझे कुछ कबूतर दिखे तो मैंने दाना डाल दिया और फिर घर आ गई और फिर ब्रेकफास्ट किया मैंने, वही जो कैबेज का पराठा था वही खाया, शौर जी को भी वही दिया। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद जो है मेरे हेल्पर आ गए, वो काम कर रहे हैं, और मौलाना आ गए, अनाया को पढ़ा रहे हैं, शौर जी ऑफिस का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हेल्पर्स जो आते हैं बर्तन और झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं, फिर मौलाना भी आते हैं, अनु को फिर मैं सुला देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज जो है शौर जी ने चिकन लेकर आए थे बिकॉज आज कोई गेस्ट आने वाले हैं डिनर के लिए, तो मैं अभी लंच में ही चिकन अंगारा और राइस बना देती हूँ ताकि हम लंच भी कर सके और एक दो लोग आने वाले हैं तो वो लोग भी खा सके। तो अभी मैं ने सालन और चावल बना कर रख दिया, तो आप देख सकते हो कितना यमी है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चिकन अंगारा की रेसिपी दे दी है, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। और फिर जो है मेरे सोने का टाइम ऐसा होता है, रात में मुझे 2-3 तो आराम से बज ही जाते हैं, फिर मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और उसके बाद जो है मुझे सोने के लिए बस अनाया को ड्रॉप करके आती हूँ 9 बजे तक। उसके बाद मुझे 2-3 घंटा सोने मिलता है 12 बजे तक। अगर शौहर जी घर में होते हैं तो मुझे आराम से मैं 12:30-1 तक सो जाती हूँ, और फिर उसके बाद हेल्पर्स आ जाते हैं, फिर मौलाना आ जाते हैं अनाया को पढ़ाने के लिए, तो मैं उठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर में भी सोने नहीं मिलता है बिकॉज जोया थोड़ा लेट आती है। तो इस तरह से मेरा देखिए लंच बन गया है, और उसके बाद आप देख सकते हो अनाया कितने चैन से सोई है माशाल्लाह। और यहाँ पर लंच होने के बाद फिर हम चाय पीते हैं, सुबह नहीं पीते, लंच होने के बाद पीते। और हमारी मैडम, बड़ी मैडम आ गई है जोया, वो उसने लंच कर लिया है और अभी जो है वो चाय पी रही है, और उसके बाद वो पढ़ाई करने बैठ जाएगी। सो फाइनली मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अब जो है बस मैंने आज कुछ प्लान नहीं था, आज अचानक से कोई गेस्ट आने वाले थे इसलिए मैंने चिकन अंगारा और राइस बनाया था। और अनाया तो सो गई है, अनाया को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, अब देखते हैं, उसको दवाई वगैरह पिलाकर तो सुला दिया है, अब देखते हैं उठने के बाद क्या है। जोया तो स्टडीज़ कर रही है। अब जो है मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और ड्रेस चेंज कर लिया है, और बस सुबह जब मैं अनाया को छोड़कर आई उसके बाद बहुत लेट नींद लगी मुझे, मेरी मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा ही नींद हो गई है, बहुत ज़्यादा। आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा, मेरा चेहरा ऐसा टायर्ड हो गया है। अंगीश और जी का अब तक ऑफिस चल रहा है, ये व्लॉग एंड करती हूँ। अब जो है मुझे जोहर की नमाज़ पढ़नी है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज नमाज़ के लिए, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।